कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन जारी है। अब ये धरना प्रदर्शन बहुत उग्र हो गया है, लगातार इसके लेकर कई दिनों से बात करें, चार दिनों से लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन जारी है। जो महिला डॉक्टर को रेप और हत्या हुआ उसकी जो अपराधी उसके गिरफ्तारी को लेकर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मौजूद हैं, जहाँ पे लगातार चार दिन से जो है महिला डॉक्टर पुरुष डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शन इनका मांग है कि जो अपराधी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ जो केस है उसको फास्ट ट्रैक में दिया जाए और जो उनकी जो न्याय है, जो पीड़िता का है, उनका न्याय दिलाया जाए। इसको लेकर जो है तमाम चिकित्सक राजधानी रांची के रिम्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन अधीक्षक के मेन द्वार पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा तौर पर मांग है कि जो पीड़िता जो जिनका रेप होकर मर्डर हुआ है कोलकाता में महिला डॉक्टर का, उसको न्याय दिया जाए और जो अपराधी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि जो IMA इसको लेकर बंगाल सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि 48 घंटा में अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो देश भर में और उग्र आंदोलन होगा। हम सीधे स्टूडेंट से जानेंगे, जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे जानेंगे कि इस प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है और आगे क्या कुछ करने वाला है। सर, प्रदर्शन क्या वजह रहा है जो आप लोगों को करना है? आप लोगों जैसे पता है कि हाल ही में एक हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट है उनका रेप करके निर्मम हत्या कर दी गई है और ये एक हमारे लिए शर्मनाम की बात है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जहाँ तक बात हम लोग के प्रदर्शन की बात है, ये जब तक तारीख तब तक रहेगा जब तक कोई भी हम लोग का एक सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। नारी प्रोत्साहन जैसे मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। और रही बात हम लोग के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जैसे पैरामेडिकल हैं, उन लोग के लिए अभी तक हॉस्टल का सुविधा नहीं दिया गया है। अभी तक हम लोग ने सारा चीज़ करके देख लिया, लेकिन फिर भी यहाँ के भी जो रिम्स के हैं उन लोग नाइट ड्यूटी कर रही है। नाइट ड्यूटी करते वक्त उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनकी जिम्मेवारी किसकी होगी? इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग भी प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। हम लोग भी पैरामेडिकल और मेडिको नर्सिंग और जितने भी सारे हम लोग हैं एक साथ जुट होकर इन सब जो भी रेपिस्ट और हत्यारे हैं उनके खिलाफ हैं। और हम लोग की नारी शक्ति जो है, नारी सेफ्टी के लिए हम लोग खड़े हैं सुबह से और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग को कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए, साफ तौर पर जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के, वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, साथ ही साथ भावुक भी हैं, आक्रोश है, निराश हैं जिस तरह की घटना बंगाल में हुआ है। क्या मैडम, क्या किसके लिए कि आप लोग प्रदर्शन कर, आज काला पट्टी भी बांध के आप लोग प्रदर्शन? ये जो हम लोग कोलकाता में देखने को मिला कि एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया है, वो तो कभी होना भी नहीं चाहिए और वो हम उसी के जस्टिस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हम लोग के साथ भी आगे कल को ये ना देखना पड़े। और चाहे वो एक डॉक्टर हो या नर्स हो या एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, किसी के साथ भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। कब तक आंदोलन जारी रहने का ये तो आज पूरे दिन भर जारी रहने का मतलब न्याय लिए हम लोग और ये शाम तक चलेगा आज। आप लोग जो जरूरी सेवाएं हैं इमरजेंसी छोड़कर सारी सुविधाएं आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? अभी ताकि जो लोग अभी यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में तो उन लोग का मतलब जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू रहे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। देखिए, जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रिम्स के हजारों की संख्या में जो है डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो बंगाल में जिस तरह के रेप करके हत्या किया गया है उसके लेके पूरे प्रदर्शन जारी है, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सर जरूरी सेवाएं छोड़ के अन्य सुविधाएं को आप लोग बहिष्कार किए हैं। देख सकते हैं आप साफ तौर पर कि काफ़ी जो है यहाँ पे रिम्स के डॉक्टर उग्र हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बंगाल में कांड हुआ है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, साथ ही साथ उचित कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं कि काला पट्टी बांध कर जो रिम्स के डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो रेप करके हत्या किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैडम, आज जरूरी सेवाएं छोड़ के अन्य सेवाएं को बहिष्कार किया गया है, क्या हम लोग चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगे और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगे, हम लोग चाहते हैं कि सेफ्टी पॉलिसी हो, हम लोग चाहते हैं जैसे ED और CBI है वैसे SCAW हो, SCAW सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन दूसरे देश में हमारे देश में भी लगे।
जी बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर हैं उन तरह मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा कानून लागू किया जाए और अन्य जो जिस तरह का यहाँ पे CCTV कैमरा है तथा अन्य सुविधाएं डॉक्टर को दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे जिस तरह महिला का जो जिस तरह का कांड हुआ वो राजधानी रांची में देखने को ना मिले, झारखंड में देखने को ना मिले, इसके लेकर जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। सर क्या कुछ चूँकि आप लोग जरूरी सेवाएँ छोड़ के अन्य छोड़े आप लोग बाधित किए बहिष्कार किए हैं, क्या कुछ वजह? IMA के सपोर्ट में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट झारखंड ब्रांच की तरफ से हैं और हम लोग चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और हॉस्पिटल को भी प्रॉपर सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिले। सर आप लोग का जो क्या कुछ मांग है जिसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और आपका जितने हॉस्पिटल है उनका एक प्रोटेक्शन जो है मिलना चाहिए, डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो स्पेशली फीमेल डॉक्टर है उनकी पूरी प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। यही हम लोग इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से भी मांग करते हैं। मुख्य रूप से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दी जाए महिलाओं डॉक्टरों को, सुरक्षा दी कि चाहे रात में जो सिक्योरिटी गार्ड है 24 घंटा उपलब्ध करवाया जाए। इन तमाम मांगों के लेकर जो है रिम्स के अधीक्षक के परिसर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग किस तरह का सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता है? आप लोगों को किस तरह सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता देखने को? यहाँ पे बिल्कुल भी गर्ल्स के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। रात को हम लोग यहाँ पे सुरक्षित घूम नहीं सकते, बोला जाता है 5 बजे के बाद आप लोग बाहर मत घूमिए, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हम लोग मेडिकल फील्ड से 24/7 हम लोग को अपनी सर्विस दे रही होती है। जब हम लोग इधर ही सेफ नहीं रहेंगे तो आगे क्या ही करेंगे हम लोग? साफ तौर पर जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बंगाल में जिस तरह के महिला डॉक्टर को रेप के बाद हत्या की गई उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन जारी है, जो महिला डॉक्टर है राजधानी रांची के वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें अविलंब गिरफ्तारी किया जाए, जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व है उसे गिरफ्तारी किया जाए तथा फास्ट ट्रैक केस करा के उसे जल्द ही जल्द सजा दिया जाए। फिलहाल मुझे दिए इजाजत अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ, यशवंत कुमार 99 न्यूज रांची।